रिस्क के साथ अगर हम लोग प्रॉपर एंट्री करते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक आएगा। फर्स्ट टारगेट 11,000 बुक सर, 87,000 बुक, 50 पॉइंट सर निकाल लिया, 33,000 के लॉट पर 700 प्रॉफिट, वेरी गुड, ये एंट्री बढ़िया रहेगा, ठीक है, एटलीस्ट 70-80 पॉइंट तो मिल ही जाएंगे। 3000 पर लॉट नहीं, टोटल प्रॉफिट 3000, अभी तो और निकालना है यार, अभी और निकालना है सर, मानना पड़ेगा आपको ट्रेड दे रहे हो और उसमें प्रॉफिट भी हुआ। वाह, कल तो अमेरिकन मार्केट भी एकदम सस्ता था, नैसडेक तो गजब नीचे नीचे क्लोजिंग है, नैसडेक जीआई का देखो 1% नीचे, प्री मार्केट ज्यादा गैप डाउन नहीं कर रहा है, नॉर्मल है। इवन बहुत लोगों ने पुट होल्ड करके रखा हुआ है ओवर कॉन्फिडेंस में, उन सबका कटने वाला है बिकॉज मार्केट गैप अप ओपन कर रहा है 100 पॉइंट बैंक निफ्टी में, और निफ्टी एकदम फ्लैट ओपन कर रहा है, ठीक है। फ्लैट भी अगर ओपन करता है तो भी आपका एक थीटा डीके में खराब होने वाला है पैसे, बाकी तो ठीक है। आपको जो लेवल मैंने बताया था ये वाला, किसने किसने इस पर एंट्री किया था लेवल पूरा पूरा बता दिया था मैंने, कि ये वाला लेवल यहाँ से मार्केट जब ब्रेकआउट करेगा तब मोमेंटम देगा। किसने किसने इस लेवल पर एंट्री किया था कल, किसने किसने कल इस लेवल पर एंट्री किया था, मार्केट ओपन होने के बाद हमें पता चलेगा कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग पहले हो रहा है या लॉस बुकिंग पहले हो रहा है, ठीक है। लॉस वाले अगर ज्यादा डरे हुए हो तो लॉस बुकिंग ज्यादा होगा। लॉस बुकिंग का मतलब क्या है, जिनका कॉल जिनका पुट होल्ड है वो लोग पुट को बेचेंगे, जैसे पुट को बेचेंगे मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। और अगर कल ये एक दो तीन तीन ट्रेड्स हमने पकड़ा था, अच्छा अच्छा तीन ट्रेड्स पकड़ा था कल हमने, कल का दिन बहुत लोगों के लिए एक शापित दिन था, आई कैन गारंटी यू अबाउट दिस, आई कैन गारंटी यू अबाउट दिस, बहुत लोगों के लिए जिन्होंने भी किसी एक गलती के वजह से बिना कोई एजुकेशन बिना किसी चीज पर एक चीज ये दिमाग में बैठा लिया था कि मार्केट इतना ही गिर चुका है तो अब कितना ही गिरेगा, इतना गिर चुका और कितना गिरेगा, लेट्स टेक कॉल, जिन्होंने भी कॉल लिया होगा और होल्ड किया होगा कल सबका गया, ठीक है। वैसे भी कल एक्सपायरी भी था, वही मैं कह रहा हूँ कि कल बहुत लोगों का कैपिटल उड़ा है, किसका किसका लगभग कैपिटल उड़ने से बचे। हाँ मुझे दिखा बीच में कोई बोल रहा था सर लास्ट तीन के बचे हुए हैं, सर लास्ट दो के बचे हुए हैं, इसमें कितना ट्रेड करें। अब आप पता है कि एक एक बहुत अच्छा एक माफिया प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, कि आप उल्टा सीधा ट्रेड देखो मार्केट में, अच्छा यहाँ से एंट्री कर जाना है, बता दिया बस मेरा हो गया, अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है बट एक्चुअली एंट्री करते करते मार्केट का प्रीमियम बहुत ऊपर चला गया और आपकी एंट्री करते करते आप बहुत लेट एंट्री कर रहे हो, आपकी एंट्री होते ही वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होता है आपका तो आपका बहुत ज्यादा लॉस हो रहा होता है, आप उस स्टॉप लॉस को नहीं ले पाते हो। स्टॉप लॉस प्रॉपर होना चाहिए, जैसे मान लो यहाँ पर आपका प्रॉपर ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट जब होगा तो यहीं पर एंट्री करना होगा। आप मतलब YouTube पर आप लोगों को स्कैल्पिंग के वजह से बता दिया जाता है कि ओके ओके ब्रेकआउट हो रहा है रनिंग कैंडल पर एंट्री कर जाओ, आपका एंट्री होते होते यहाँ पर नहीं यहाँ पर हो जाता है, फिर मार्केट रिटेस्ट के लिए भी आता है ना तो आपको बहुत बड़ा लॉस दिखता है, फिर एक्चुअली एंट्री होना होता है यहाँ पर, यहाँ पर अगर एंट्री होता तो फिर आपका स्टॉप लॉस जस्ट छोटा सा नीचे होता, बट अभी आप यहाँ पर एंट्री कर रहे हो इसीलिए स्टॉप लॉस होते होते बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है और आप होल्ड कर जाते हो, उसके बाद होल्डिंग करते करते मार्केट धीरे 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 करके नीचे ही नीचे आता रहता है, नीचे ही नीचे आता रहता है। तो मैं थोड़ा सा सिंपलिस्टिक और बहुत ज्यादा रियलिस्टिक ट्रेडिंग में ध्यान विश्वास रखता हूँ, ठीक है। इस वजह से क्या होता है आपका जैसे ही ये लॉस हो गया उसके बाद शुरू होता है जीरो हीरो का खेल कि सर जी मेरा तो 2000 बचे हुए हैं, अब 2000 का सिर्फ 2000 ही लगा देंगे, जीरो हीरो करवा दो, है सर मार्केट में जीरो हीरो करवा दो, जिसमें कि 20 गुना 10 गुना जो एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं, जो लोगों के वीडियोस दिखते हैं 10 गुना 20 गुना, ऐसा आप लोग भी चाहते हो कि अच्छा चलो मिल जाए। उसके बाद आपको चाहिए BTST, अरे भैया रियलिस्टिक ट्रेडिंग करो ना कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है, लेट्स वेट फॉर द रिटेस्ट, रिटेस्ट आएगा तो यहाँ पर एंट्री होगा और यहाँ पर एंट्री होगा तो छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, मैं प्रीमियम टेलीग्राम पर जल्दी से बता दूंगा, चलो नॉर्मल टेलीग्राम पर जल्दी से बता दूंगा जब भी कोई भी लेवल छोड़ूंगा तो। BTST हमेशा वो करना चाहिए, ठीक है, मार्केट ओपन होता है कहीं पर भी कैसा भी है BTST छोड़ देना चाहिए आपको, बहुत धोखा दिया है, बहुत लोगों ने पुट होल्ड करके रखा होगा, राइट, बहुत लोगों ने पुट होल्ड करके रखा होगा। अभी निफ्टी चल रहा है 19,784, बैंक निफ्टी चल रहा है 44,910, 44,800, तो अभी नियरेस्ट रेजिस्टेंस हमारा 19,800 ही है, नियरेस्ट रेजिस्टेंस हमारा 19,800 है, तो 19,800 का रेजिस्टेंस मतलब मार्केट एटलीस्ट 19,800 का रेजिस्टेंस मतलब मार्केट एटलीस्ट 19,840 तक तो जाना है,
ठीक है, यहाँ तक इसके पास जाने का है, पूरा पूरा जोन है इसके पास, पूरा पूरा जोन है यहाँ तक जाने का। ठीक है, बैंक निफ्टी का एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का अल्टीमेट रेजिस्टेंस 45,000 का ही है, तो मैक्सिमम 45,100 तक जाना ही है इसको, 45,100 तक आज इसको जाना है, 45,100 तक इसको जाना है, एटलीस्ट 45,100 तक आज इसको जाना है। तो यहाँ से एक लेवल इसको मिलने वाला है, यहाँ से अभी एक लेवल इसको मिलने वाला है। ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, ये वाला कैंडल क्लोजिंग के बाद हम लोग एंट्री लेंगे। ठीक है गाइस, ये वाला कैंडल क्लोजिंग के बाद हम लोग एंट्री लेंगे। ठीक है, डोंट वरी, ये वाला कैंडल क्लोजिंग के बाद हम लोग एंट्री लेंगे। ठीक है, किस ऐप पर ट्रेड करें, किस ऐप पर ट्रेड करें, आप किसी भी ऐप पर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेटीएम मनी का लिंक दिया हुआ है, आप उस ऐप से ट्रेड करोगे तो आपका एक फायदा यह है कि मेरा जो पेड टेलीग्राम ग्रुप का फ्री लिंक आपको मिलता रहेगा। 19,700 से लेकर 19,780 का लेवल है, इसमें एक जिगजैग बनाने की कोशिश कर रहा है। ऑलरेडी दो जिगजैग हो चुके हैं, ये तो इन जिगजैग्स में आपका स्टॉप लॉस हंट होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। सर कितने टाइम फ्रेम पे आप देखते हो? मैं 5 मिनट देखता हूँ, मैं 15 मिनट देखता हूँ सारे। क्या नाम है, बार बार लाइन्स क्यों चेंज करो? सर विथ मार्केट, विद टाइम मार्केट के लेवल्स चेंज होते रहते हैं। ठीक है, जो पहले का सपोर्ट होता है वो बाद का रेजिस्टेंस होता है, तो सेम तरीके से विद टाइम हमें मार्केट के जो लेवल्स है वो हमें चेंज करते रहना पड़ता है। प्रॉपर प्राइस एक्शन के हिसाब से लेवल तो है भाई, यहाँ से यहाँ तक का एटलीस्ट, यहाँ से यहाँ तक का एटलीस्ट है लेवल। अब वो फिर मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट इसको तोड़कर फिर ऊपर चला जाए तो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का एक प्रॉपर लेवल है, प्रॉपर लेवल। ठीक है, अगर प्रॉपर एक क्या बोलते हैं उसको, रिस्क के साथ अगर हम लोग प्रॉपर एंट्री करते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक आएगा फर्स्ट टारगेट, उसके बाद सेकंड टारगेट ये रहेगा। ठीक है, सेकंड टारगेट ये रहेगा, फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट भाई पूरा यहाँ तक, पूरा यहाँ तक अगर ठीक से चलता है तो। ओआई की वजह से चांसेस पूरा है कि मार्केट 45,100 तक भी जाए, बट यहाँ पर ये जो बियरिशनेस है, ये बियरिशनेस पर हमें राइट करना आना चाहिए। ठीक है, रिटेस्ट हो गया है, ठीक है रिटेस्ट हो गया है, ये है प्रॉपर बियरिशनेस का लेवल। ठीक है, ये प्रॉपर बियरिशनेस का लेवल है यहाँ से। हाँ, यहीं पर लेनी है, यहीं पर लेनी थी 44। अब देखो ये लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, ये जो रिटेस्ट आपको अगर समझ में आ जाता तो आप यहाँ पर एंट्री कर लिया होता, अपने यहाँ पर एंट्री कर लिया होता, राइट? आपको मैंने ये वाला लाइन अच्छे से ड्रॉ करके रखा हुआ है आपके लिए, ये वाला लाइन मैंने अच्छे से ड्रॉ करके रखा हुआ है। अब ये आप एंट्री क्यों नहीं कर पा रहे हो, ये जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं, ये प्रॉफिट्स आप क्यों नहीं ले पा रहे हो? जस्ट बिकॉज आपको नहीं पता है कि रिटेस्ट क्या चीज है। तो मेरे यूट्यूब पर वीडियोज है, एक बार एटलीस्ट फ्री में ही अगर सीखना है तो यूट्यूब के वीडियोज को एक बार अच्छे से समझ लो। ठीक है, एंट्री किसने किसने बनाया है, 272 पर एंट्री है, अभी कितना चल रहा है, 271 पर एंट्री करके 290, मतलब 20 पॉइंट का हो चुका है मोमेंटम, मतलब 300 पर लॉट चल रहा है, 300 पर लॉट चल रहा है अभी भी, बताते रहना जैसे जैसे जाता है, इसके नीचे और नीचे जाएगा, इसके नीचे जाएगा तो और अच्छे से जाएगा नीचे। ठीक है, इसका लॉजिक क्या था, इसका लॉजिक यही था कि मार्केट ऊपर आया, मार्केट ने ये तोड़ा, तोड़ने के बाद रिटेस्ट करते करते नीचे गिरा, फिर एकदम से बुलिश मोमेंटम के साथ साथ मार्केट ऊपर आ गया। ठीक है, अब ऊपर किस तरीके से आया, बिग बार कैंडल बनाते बनाते, बिग बार कैंडल बनाने के बाद मतलब क्या होता है, लोगों को कॉल साइड पर एंट्री मिला, यहाँ पर इस लेवल पर कॉल साइड पर एंट्री मिला, लोगों को इस लेवल पर कॉल साइड पर एंट्री मिला, और एंट्री करते ही उनका स्टॉप लॉस खाकर मार्केट नीचे आया। नीचे आते आते आप लोगों को यहीं पर इसी वाले कैंडल पर एंट्री करने के लिए बताया, बट मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया, फिर रिटेस्ट के लिए मैंने वेट करने के लिए बोला, रिटेस्ट आते ही आपको एंट्री करना था, और 278 पर लिया है, 283 पर लिया है, सबको प्रॉफिट है, अभी भी प्रॉफिट है, 320 चल रहा है अभी भी, ₹500 प्रॉफिट बुक कर लिया। देख लो, ये लोग तो मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है ना, ये लोग तो रिश्तेदार नहीं है ना, इन्होंने तो प्रॉफिट कर लिया है, इनको एंट्री पता है कैसे करना है एंट्री, इनको पता है मार्केट किस तरीके से चल रहा है, राइट? अभी इसका ब्रेकडाउन पर और नीचे जा सकता है मार्केट, इसके ब्रेकडाउन पर और नीचे जा सकता है। ठीक है, इसके ब्रेकडाउन पर और नीचे जा सकता है मार्केट, मैंने आपको यहाँ पर प्रॉपर ये लेवल बता दिया था ड्रॉ करके, 114 पॉइंट आराम से 800 पर लॉट बुक, सर वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 45,100 का पी हमने लिया था, टारगेट 550, बहुत ही बढ़िया। अभी भी जिसका जिसका होल्ड है
उसको बढ़िया तगड़ा मिल रहा है, बहुत शानदार एंट्री है, बहुत शानदार एंट्री है। और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो ना, 1:7 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, 1:7 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। 956 पर लॉट बुक, मतलब 1000 रुपए पर लॉट तक भी गया है मार्केट प्रॉपर्ली, ठीक है। अब बता दो किसने किसने कितना 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 प्रॉफिट बुक किया है, किसने कितना कितना प्रॉफिट बुक किया है, एकदम स्पैम कर दो, स्पैम कर दो। जिनको नहीं आया है कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हम लोग एंट्री करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, फिर से हम लोग एंट्री करने की कोशिश करेंगे। बट प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कभी भी मिस मत किया करो, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कभी भी मिस मत किया करो। गैप फिल करेगा, अब सीधा गैप फिल करेगा ये, 500 प्रॉफिट बुक 1100, भाई ये लोग तो गलत, ये इनको कैसे मिल गया एंट्री, ये तो बताओ। 27 पॉइंट प्रॉफिट बुक किया किसी ने, इनको एंट्री कैसे मिल गया, आपको क्यों नहीं मिला। अब ये भी बोल सकते थे कि यार सर आपने तो एंट्री करने के लिए बोला ही कब, आप एक बार रिवाइंड करके देख लो, प्रॉपर रिटेस्ट जब करने के लिए आया था मैंने, तब आपको बोला कि यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। सर 70 पॉइंट बुक, सर यू आर अ ट्रू ट्रेडर सर, थैंक यू। 11,000 बुक सर, 87,000 बुक, 50 पॉइंट सर निकाल लिया, 33,000 के लॉट पर 700 प्रॉफिट, वेरी गुड। अब ये वाला देखो, प्रॉपर एम पैटर्न के ब्रेकडाउन पर रिटेस्ट करके नीचे, एम पैटर्न के ब्रेकडाउन पर रिटेस्ट करके पूरा नीचे, 1600 प्रॉफिट सर पर लॉट, 1600 प्रॉफिट, 110 पॉइंट डन सर। देखो यार, देखो इनसे सीखो यार, इन्होंने मेरा कोर्स परचेस किया हुआ है गाइज, इन्होंने मेरा कोर्स परचेस किया हुआ है, ठीक है। इनको पता है मेरा डीएस रिवर्सल क्या है, इनको पता है एब्स्ट्रैक्ट एंट्री क्या है, इनको पता है यार इन पैटर्न एंट्री क्या है, इनको पता है कि हाउ रिटेस्ट्स आर डन, किस लेवल पर हमें एंट्री करना चाहिए, इनको पता है अच्छे से। मेरा सेटअप आराम से स्टॉक ऑप्शंस में काम करता है, 1200 पर लॉट फिन निफ्टी में भी इसी हिसाब से एंट्री किया है, 900 पर लॉट 272 पर एंट्री करके 405 पर फुल प्रॉफिट बुक सर, 405 पर। अब बताओ ना यार क्या मिस किया आपने, यार कितना कुछ मिस कर दिया सर। 2500 पर लॉट बुक कर लिया सर, सर एक लॉट पर 1000 प्रॉफिट बुक सर, 3000 लॉस कर लिया खुद से, 379 पर एंट्री करके 489 पर एग्जिट, लगभग सबने 100 पॉइंट बुक कर लिया है, सबने 100 पॉइंट बुक किया है सर। आज प्रॉफिट हो गया है, डब्बा बंद करने जा रहा हूँ मैं भी, अब बंद कर दूंगा। हाईएस्ट प्रॉफिट टूडे, वेरी गुड, बिकॉज ओनली ऑफ योर लाइव स्ट्रीम टेक्निक सर, 2 लॉट पे 5000 प्रॉफिट। नहीं, अब प्रॉफिट बुक कर लो यार, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट अब बुक कर लो, जिन्होंने भी होल्ड रखा है प्रॉफिट अब बुक कर लो सर। पर लॉट 3000 प्रॉफिट बुक सर, शारदा क्रॉप 420 पर आ गया है, फिर ले सकते हैं, हाँ ले सकते, बट अभी पूरा मार्केट खराब ना हो जाए बस वही है। 2K प्रॉफिट इन ईच लॉट, ग्रेट, अभी तो और ट्रेड करना बाकी है मुझे तो। आज बहुत सारे ट्रेड दिख रहे हैं यार, आज मुझे बहुत सारे ट्रेड दिख रहे हैं। 87 पॉइंट्स बुक सर, वेट करो नेक्स्ट ट्रेड्स आने वाले हैं सर। न्यू एंट्री सर, जी हाँ जी सर, 3000 पर लॉट, दिल से धन्यवाद सर। 250 पर एंट्री, 500 पर एग्जिट आईटीएम पर सर। एक लॉट से करो यार, 11000 में एक लॉट से करो, करते रहो, एक महीना दो महीना तीन महीना करते रहो। अब है सर, बाकी मैंने सबका अनसब्सक्राइब कर दिया है। क्या हुई? एक के बाद एंट्री होगा, एक के बाद एंट्री होगा, रुक जाओ। जब मार्केट में इतने बड़े बड़े मोमेंटम्स बन जाते ना, फिर सेटलमेंट के लिए भी मूवमेंट्स होते हैं, वो मूव्स पकड़ने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा और वेट करेंगे, एक के बाद एक एंट्री मिलेगा, रुक जाओ। नहीं, री एंट्री करेंगे, कहाँ पर करेंगे पता है, यहाँ पर करेंगे। देखो कॉल साइड जाना थोड़ा सा मुश्किल तो हो जरूर रहा है, बट दिख रहा है हमें जब क्यू छोड़ दे सामने से। वेट करो, यहाँ पर एक एंट्री यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है, एक एंट्री यहाँ पर बना लेंगे, ये एंट्री बढ़िया रहेगा, ठीक है, एटलीस्ट 70-80 पॉइंट तो मिल ही जाएंगे। नहीं यार, ये ना क्या है, ये परफेक्ट एंट्री पॉइंट है, ठीक है, ये परफेक्ट एंट्री पॉइंट है 44,685 का, ठीक है, 44,685 का एंट्री पॉइंट है, और स्टॉप लॉस रहेगा 44,000 इसके नीचे, इस वाले कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। प्रीमियम अच्छा है कॉल साइड का, देखते हैं, कॉल साइड का प्रीमियम अच्छा है, एटलीस्ट यहां तक तो जाएगा ही, फर्स्ट टारगेट आपको यहां तक लेना है, ठीक है। ये 80 पॉइंट्स आपको फर्स्ट टारगेट मिलेगा, अभी भी एंट्री पॉइंट का लेवल है, अभी भी एंट्री पॉइंट का ही है लेवल। अब ये गिर जाए तो स्टॉप लॉस ले लेना, क्या ही करें, अब स्टॉप लॉस अगर होगा तो ले लेना, बाकी अगर नहीं होगा तो यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। ये एक एब्स्ट्रैक्ट एंट्री बनने वाला है, ठीक है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट भी हुआ है, रिटेस्ट भी कर रहा है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, रिटेस्ट कर रहा है, प्लस प्रीमियम बहुत अच्छा है, 3 मिनट पर भी ब्रेकआउट हो चुका है, 1 मिनट पर भी अच्छा हो गया है, लेट्स सी क्या होता है। बट कॉल साइड पर मार्केट उतना स्ट्रांग नहीं है ना, यही एक दिक्कत है। आज देख रहे हो मेरे से कितने सारे ट्रेड्स एक के बाद एक बन रहे हैं, इसका रीजन ये है कि मैं खुद ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं खुद ट्रेड कर रहा होता ना, मैं बहुत ज्यादा वो रहता, मतलब कॉशियस रहता आप लोगों को ट्रेड देने में,
थोड़ा सा रुको गाइस, थोड़ा सा रुको, रुक कर टाइम ले लेकर, प्रॉपर टाइम ले लेकर एंट्री करवाता। ठीक है, ये एंट्री हमें बहुत अच्छा मिला है, ये फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। उसके बाद अगर ये तोड़ता है तो सीधा मार्केट को ये 200 पॉइंट आपको मिल जाएगा। बट पहला टारगेट ये है, ठीक है, पहला टारगेट ये है, यहाँ पर ब्रेक, यहाँ तक आप एग्जिट कर देना, ठीक है, यहाँ तक आप एग्जिट कर देना। उसके बाद ब्रेकआउट करता है तो फिर से हम लोग ले लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल देखते हैं कैसा क्या जाता है नहीं जाता है, ठीक है। प्रीमियम ठीक है, प्रीमियम स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, सब प्रीमियम नहीं है कुछ, क्या बात करो, प्रीमियम अच्छा दिख रहा है। हाँ जी, प्रीमियम बहुत अच्छा दिख रहा है, क्या ही बात करो यार, बहुत ज्यादा प्रीमियम दिख रहा है यार, बहुत अच्छा प्रीमियम है, बहुत अच्छा प्रीमियम है। 23-24 पॉइंट तो ऐसे ही मिल गए यार। कौन सा स्ट्राइक प्राइस पर काम कर रहे हो? मैं जो स्ट्राइक प्राइस देख रहा हूँ 44,700 का स्ट्राइक प्राइस देख रहा हूँ यार। OTM पर भी इतना मूवमेंट हो रहा है प्रीमियम पर, ठीक है, प्रीमियम अच्छा खासा दे रहा है यार। अभी देखो FI 370 हो चुका है, 370 हो चुका है, और एक ग्रेट भाई 370, 369, 370, बहुत तगड़ा एंट्री हुआ है। एंट्री कौन कौन किया है अब की बार? आराम से मार्केट ने मोमेंटम दिया है, आराम से मोमेंटम दिया है, 700 रुपए पर लॉट, 700 से 800 कंफर्मेशन के साथ, ठीक है, 600-500 रुपए तो आराम से मिल रहे हैं यार। उसके बाद जब ये ब्रेकआउट करेगा फिर एंट्री करेंगे। 400 पर लॉट बुक किया है, काफी है 400 पर लॉट। अभी तो यहाँ तक आया नहीं मार्केट, अभी फिर से आएगा यहाँ पर मार्केट, अभी तो और आना है 3000 पर लॉट नहीं, टोटल प्रॉफिट 3000, अभी तो और निकालना है यार, अभी और निकालना है 300। एंड अभी चल रहा है ये, देखो ये कैंडल नीचे तक आ चुका है, ठीक है, नीचे तक यहाँ तक आ चुका है, अभी चल रहा है 350, मार्केट 375 तक गया था, 375 तक गया था मार्केट, ठीक है। मुझे तो लग रहा है कि मार्केट एक अच्छा खासा दे सकता है ऊपर का मोमेंटम, एटलीस्ट 50% रिट्रेसमेंट तो करेगा, आज के हाई से 50% रिट्रेसमेंट तो हो चुका है क्या, 50% रिट्रेसमेंट हुआ है क्या, क्योंकि हमें फिर 50% से पुट लेना है। बट अगर ये टूट दे, 50% तोड़ दे, तो फिर ये हाई आज फिर से मिलेगा मार्केट को। मोमेंटम तो अभी भी है मेरे भाई, मोमेंटम तो अभी भी है, ठीक है ना, टारगेट हिट हुआ है ना, अभी भी 372 चल रहा है, अभी 372 चल रहा है, 379 382 384, किसने बोला मोमेंटम नहीं मिला, अब बताओ, अब प्रॉफिट बुक करो ना भाई, 1000 पर लॉट प्रॉफिट बुक कर सकते हो अभी भी, ठीक। 390 का हाई बना है, 1000 पर लॉट अभी भी बुक कर सकते हो, अब बताओ यार क्या प्रॉब्लम है, एक और ट्रेड चाहिए, किसने मिस कर दिया है ट्रेड, किसने मिस कर दिया है सर, किसने मिस कर दिया है ये मोमेंटम, किसने मिस कर दिया है, पूरा मोमेंटम मिला है हमें, किसने मिस किया है ये बताओ, मिस किया है, अभी भी मिस किया है, दोनों ट्रेड किसका मिस हुआ है। पहला ट्रेड हमने ढाई हजार पर लॉट निकाला है, इस वाले ट्रेड पर 800 रुपए कन्फर्म मिले हैं, कितना किस्मत अच्छा है तुम लोगों का, कितना अच्छा किस्मत है तुम लोगों का। अब ये बताओ प्रॉफिट किसने किसने बुक किया है, आप देखकर जलो जरा इनसे। 4K बुक सर, फर्स्ट डे गोइंग फॉर गणेश आरती, ओके। अभी इसके ब्रेकआउट पर हमें और एक एंट्री मिलेगा, रुक जाओ, एक और एंट्री मिलेगा, डर लग रहा था सर, ठीक है, प्रॉफिट से भर दो भैया, प्रॉफिट कितने कितने हुए, प्रॉफिट से भर दो सर, मानना पड़ेगा आपको ट्रेड दे रहे हो और उसमें प्रॉफिट भी हुआ, वाह प्रॉफिट तो होगा यार। 390 से ज्यादा मार्केट गया था, मुझे नहीं पता हाई कितना था, बट 390 अभी भी दिख रहा है, 390 अभी भी दिख रहा है, ठीक है, अभी भी रॉकेट है। ऊपर से नीचे का पकड़ा है, नीचे से ऊपर का, माय गॉड ये क्या हो रहा है, ऊपर का नीचे से पकड़ा है, ऊपर का पकड़ा है नीचे तक, नीचे से पकड़ा है ऊपर तक, सर 1.5 लाख से 2.35 लाख, भले ही मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बस आप लोगों का प्रॉफिट देखकर मजा ही आ रहा है, रिटेस्ट आ रहा है। ट्रेड एक मिनट जरा, एक बार मैं थोड़ा सा रुक जाओ यार, ये 60% का रेशियो है, 60% का जोन है, रिवर्स ना कर जाए पूरा, 60% का जोन है, पूरा रिवर्स ना कर जाए, बैंक निफ्टी रिवर्स नहीं, मार्केट को अभी भी ऊपर जाना है, 45,100 तक आज जाएगा मार्केट, देख लेना 45,100 तक मार्केट को आज जाना ही है, ठीक है, मैंने ये चीज सुबह बोल दिया था आपको, आगे देखते हैं। 397 398 400 का हाई लगा चुका है, 400 का हाई लगा चुका है अभी भी, तो यहाँ पर री एंट्री है, ठीक है, यहाँ पर री एंट्री है, यही लेवल री एंट्री का है सर, रिटेस्ट हुआ, क्या लेना है अभी, क्या लेगो यार अभी, क्या लोगे, रिटेस्ट तो हो गया, रिटेस्ट पर आपको खुद पर भरोसा रखकर, स्टॉप लॉस पर भरोसा रखकर एंट्री करना ही है, ठीक है,
फिर से अगर आता है तो ले लेना फिर से, ठीक है। चांसेस बट रहेगा, यहाँ पर 60% का जोन है, थोड़ा सा रिजेक्शन देता ही है 60% का जोन। मेरा पूरा पूरा ऊपर से लेने के बाद पूरा गैप फिलिंग तक का टारगेट था। इवन मेरे स्टूडेंट्स ने 3,500-3,500 रुपये पर लॉट प्रॉफिट कमाए हैं, 3,500-3,500 रुपये पर लॉट प्रॉफिट कमाए, और नीचे से इसको उठा रखा है। अब ये अगर प्रॉपर ब्रेकआउट को अगर रेस्पेक्ट करता है तो ऊपर तक जाएगा। प्रॉफिट डन ब्रो, ठीक है। ये रिटेस्ट कर गया, है यहाँ पर प्रॉपर एंट्री होना चाहिए, ठीक है। स्टॉप लॉस कम रखना, निफ्टी में भी बोलो, निफ्टी इसके ऊपर बोलूंगा मैं, इसके बाद बोलूंगा निफ्टी, ठीक है, निफ्टी में इसके बाद बोलूंगा। और पैसों में अंधा हो चुका हूँ मैं, 2.43 लाख प्रॉफिट, अरे भाई भाई भाई, ठीक है। अभी भी अच्छा खासा प्रॉफिट है, 60% को अगर तोड़ता है बढ़िया जाएगा, 60% अगर तोड़ता है बढ़िया जाएगा। लुक एट दिस, 410-415 चल रहा है, सॉरी 405 चल रहा है। मोमेंटम तो यहाँ पर भी मिल गया, एक मोमेंटम यहाँ पर भी मिलेगा निफ्टी में, एक मोमेंटम यहाँ पर भी मिलेगा निफ्टी में। आज भाई कुछ नहीं छोड़ना है, एक एक कतरा लेकर जाएंगे मार्केट से, एक एक कतरा लेकर जाएंगे। निफ्टी का ये लेवल रहेगा, ठीक है, कोई सा भी कॉल ऑप्शन। 410 हो चुका है, 417-419-420 वो अक्षय कुमार नहीं करता, पैसा ही पैसा वही है पूरा। 420 भाई, 430 गाइस, 430 कैसे हो रहे हैं, 430 क्या मिले हैं यार आज। इस वाले ट्रेड में भी 1,000 रुपए पर लॉट प्रॉफिट हो जाएंगे यहाँ तक। भैया ये है लिंक कोर्स का, ठीक है, जो हो रहा है आपके सामने ये मैं खुद का बनाया गया चीज है यार ये, ठीक है, खुद का बनाया गया चीज़ है। मैं किसी का कोई कॉपी वॉपी करके आपको कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, ठीक है। ये EMA, DMA, मूविंग एवरेज, ये सारा चीज़ पहले का बनाया हुआ चीज़ें हैं, ये लोग फॉरेनर से सीख के ये कर रहे हैं, बट DS Reversals हमने खुद अपने अभय ट्रेडिंग फैमिली में बनाया है। 443 चल रहे हैं यार, लुक एट दिस मोमेंटम, माई गॉड यार, दिस इज तगड़ा, दिस इज ऑसम। आज 45,100 पक्का, 45,100 पक्का। लुक एट दिस 450 यार, 450 तगड़ा, माय गॉड, तगड़ा यार 460 मस्त यार 460। निफ्टी भी गया, थोड़ा सा रिटेस्ट हो जाता सभी को एंट्री मिल जाता, जिसको भी कोर्स खरीदना है गणपति बप्पा का जो लिंक है मैं आपको भेज रहा हूँ, ये खत्म हो जाएगा, ये एक मौका ले लो, जितना आज कमाया है उतने से आज आप सीख लो एटलीस्ट। जिंदगी में कभी भी एंट्री करते हुए डर नहीं लगेगा, ये मेरा गारंटी है, जिंदगी में कभी एंट्री करते हुए डर नहीं लगेगा आपको। एंड लुक एट दिस, अभी कितना 100 पॉइंट मूव डन, 100 पॉइंट का मूवमेंट डन। और यहां से हमने उठाया, यहां से किसने उठाया था गाइस, दो ट्रेड लिए, दोनों के दोनों ट्रेड 2000 पर लॉट से ज्यादा, 2500 पर लॉट से ज्यादा। बॉटम से किसने लिया था ये बताओ आप, बॉटम से किसने लिया था भाई साहब, जबरदस्त एंट्री बताओ। अब किसी का इन तीनों एंट्री मिस हुए, ऐसा कोई है जिसको तीनों के तीनों एंट्री मिस हुए, ऐसा कोई है जिसका तीनों के तीनों एंट्री मिस हुए। ओके, 45,100 आज कंफर्म, 45,100 एटलीस्ट यहां तक तो जाएगा ही मार्केट, तीनों के तीनों एंट्री। अब ये बता दो, नहीं है, बहुत कम लोगों का, एक दो लोगों का होगा। अब ये बता दो कितना टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है सबका, यहां तक आज मार्केट को आना ही है, टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है सबका। अब यहां से एक और एंट्री बना दो क्या, हैं? टोटल बताओ आप कितना प्रॉफिट हुआ है सबका, ओ भाई साहब, एक नहीं भाई, हजारों लोगों का प्रॉफिट हुआ आज। बहुत मस्त यार, गुरुधाम में ही रुक जाऊं क्या, ऐसे ही ट्रेड्स मिलते रहे आप लोगों को, यहीं रुक जाऊं क्या मैं, गुरुधाम में ही रुक जाऊं क्या भाई, यहां पर ऑरा ही अलग है यार, यहां पर भगवान का 6K प्रॉफिट, 7,400। ये गाइस ये वायरल होना चाहिए, ठीक है। आज जैसा ट्रेडिंग किसी का नहीं, बॉटम टॉप
ये रहा टॉप हमारा और ये रहा हमारा बॉटम, यहां से एंट्री, दोनों एब्स्ट्रैक्ट एंट्री, ये वाला भी एब्स्ट्रैक्ट एंट्री, ये वाला भी एब्स्ट्रैक्ट एंट्री, पुट में भी एब्स्ट्रैक्ट एंट्री, कॉल में भी एब्स्ट्रैक्ट एंट्री, और बताओ एब्स्ट्रैक्ट एंट्री क्या चाहिए, और बताओ कैसा चाहिए, और क्या चाहिए, और एंट्री चाहिए, और एंट्री चाहिए सर, सर आज 120% का रिटर्न है, एंड सर टुडे इज द डे यू मिस्ड ऑल दिस क्रेजी मूवमेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है यार, मैं तो ट्रेडर हूं, मैं मुझे यार 20 पॉइंट से भी खुशी मिल जाती है, ठीक है, ट्रेडर को हमेशा 20 पॉइंट 10 पॉइंट मतलब जो उसका टारगेट है रूल्स, मैं तो यार शायद फर्स्ट ट्रेड करने के बाद ट्रेड भी नहीं करता, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लुक एट दिस निफ्टी का मोमेंटम यार, निफ्टी का मोमेंटम देखो, रिटेस्ट नहीं हुआ बस, बाकी ये भागता गया भागता गया भागता गया। अब बताओ मेरा कोर्स अगर कोई खरीदे तो क्या वो ये चीज नहीं सीख सकता? अब वो सीखने के बजाय ये ध्यान देता है कि यार ये तो कोर्स बेच रहा है, अरे नहीं बेचूंगा तो क्या फ्री में दूंगा, पागल है क्या लोग? मस्त जोक मारा रे। मुझे देखना है सबका क्या प्रॉफिट हुआ है, जल्दी से लिखो और पर लॉट कितना हुआ ये बताओ। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तीन ट्रेड हमने लिया है, तीनों ट्रेड में 2500 पर लॉट से ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, तीनों ट्रेड में। स्पैम कर दो अभय ट्रेडिंग, हैशटैग अभय ट्रेडिंग। चीटिंग करता है तू। Hashtag अभय आर्मी, स्पैम कर दो पूरा। फर्स्ट टाइम विथ यू सर, 6000 पर लॉट, 6000 टोटल प्रॉफिट, बहुत बढ़िया। 73 पॉइंट्स कैप्चर्ड इन एफटी, वेरी गुड। ब्रेकफास्ट में सर, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर हमने कर लिया है भाई, अब बंद करने वाले हैं। इनकम टैक्स वाले आएंगे सर, अब तीन ट्रेड में 2500 करके कमाया है, क्या दिक्कत है सर? मैंने तो यार देखो तजुर्बे से सीखा है ट्रेडिंग, तजुर्बे से सीखा है, 5 साल लगे हैं मुझे ये चीज बनाने में। डीएस रिवर्सल जो आप देख रहे हो ना, ये खुद का प्रोडक्ट है, अपना आइटम है, ये कोई इंडिकेटर नहीं है जो कि कॉपी करके बनाया जा रहा है। मैं सिर्फ प्राइस एक्शन से करता हूँ, बट उसमें मेरा एक स्ट्रैटेजी है जो कि डीएस रिवर्सल है और एब्स्ट्रैक्ट एंट्री है, अभी मोमेंटम आने वाला है, ठीक है, रेडी रहना, अभी कोई मत कहीं जाना भाई, ऊपर सप्लाई जोन है ना, हाँ सप्लाई जोन को तोड़ने वाला है, और आज मार्केट 45,100 जाने वाला है, ठीक है, 45,100 मार्केट जाने वाला है, बिल्कुल बेसिक से है और हाईएस्ट लेवल ऑफ एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपके पास दिखाया हुआ है। मतलब ये कोर्स ना फुल्ली फ्लेजेड कोर्स है, बहुत जल्दी मैं आपको इस कोर्स में डिफरेंस लेकर आने वाला हूं कि बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट सीखने के लिए 3000, उसके बाद एडवांस ट्रेडिंग सेटअप फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए आपका 6000, ठीक है, दोनों मिलाकर आपको फिर 6-7 हजार करके बेचेंगे, तो वो प्राइस बहुत ज्यादा होगा गाइज। तो जब तक मेरा ऐप बनता है तब तक आप 4000 के प्राइस से ही आप यूज कर सकते हो, जिसमें कि सारा सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। और सबसे बड़ी बात यार, ऑफर के लिए रुकने से आपको एक लॉस ही होगा कि मान लो आज आपने खरीद लिया, कल परसों छुट्टी है, अपने छुट्टियों में एटलीस्ट स्टार्टिंग के 10 वीडियोस कंप्लीट कर लो, आप कंफर्मेशन के साथ मंडे से कोई भी ट्रेड मिस नहीं करोगे, बिकॉज यू विल ऑलरेडी नो द लेवल्स आई एम ड्रॉइंग, ठीक है, यू विल बी वेरी वेरी फ्री टू टेक दोस काइंड्स ऑफ एंट्रीज, ठीक है, यू विल नेवर मिस आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ ट्रेड। ट्रेड चाहिए दे देंगे, प्रॉफिट चाहिए दे देंगे, लॉस मांगोगे नहीं दे पाएंगे। अरे अरे अरे, लुक एट दिस पंप यार, लुक एट दिस पंप, मस्त है यार, हमने पूरा बॉटम पकड़ा है, वी आर वेरी वेरी हैप्पी, तगड़ा तगड़ा ही तगड़ा, रगड़ दिया पूरा एकदम, ठीक है, वेट करो देखते हैं डीएस रिवर्सल यहां से रिवर्स करता है कि नहीं। 45,100 मार्केट गिरने से पहले मैंने आपको बोला था, जब मार्केट यहां कहीं था उस टाइम पर मैंने आपको बोला था कि 45,100 हैज टू कम। यार आज का ट्रेड कैसे मिस कर दिया यार मैंने, शिट मैन, और ये एक प्रॉपर ट्रेड था यार, होल्ड करने वाला ट्रेड था, 45,000, ठीक है, 45,000, तो मार्केट 45,050 से 45,100 तक ही रहेगा, 45,050 और 45,100 तक जाना ही है इसको, यहां तक जाना ही है इसको, बट उसके बाद नीचे गिरेगा, ठीक है, 45,000 पर सबसे ज्यादा हुआ ही है, ठीक है, 45,000 पर सबसे ज्यादा हुआ ही है, तो 45,050 मतलब समझ लो कि मार्केट निफ्टी को लेकर यहां तक जाएगा, ठीक है, निफ्टी 19,788 तक आएगा, ठीक है, 19,788 तक निफ्टी आएगा। बाय गाइस, बाय 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 बाय, सबको बाय।
थैंक यू सो मच, शेयर किया करो, शेयर किया करो प्लीज, आजकल आज का लाइव प्लीज, मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, सबको लाइव शेयर करो और दिखाओ यार कि कैसा होता है हमारा ट्रेड्स, ठीक है, प्लीज शेयर करो, थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं सीधा मंडे को गाइज। बहुत अच्छा दिन गया, बहुत अच्छा वीक गया, और वीक का एंड हमारा डबल प्रॉफिट, मतलब डबल कैपिटल, डबल डबल डबल, मैं कुछ नहीं कर पाया आज, चलो बाय।